खबर यूपी के कासगंज से बता रहे हैं। कासगंज में कार नदी में जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। खबरों के मुताबिक हादसा कोहरे की वजह से हुआ। अनियंत्रित होकर कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा कर सड़क किनारे बनाए गए ढाबे को गिराया। यूपी के प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने अवैध रूप से कोयला बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं ने भारी हंगामा किया। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए। एमपी के मुरैना में एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले की पिटाई। स्कूल के सामने से ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर धीरे ले जाने के लिए कहने पर की गई पिटाई। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान खाली करवाने के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सतना में महिलाओं के दो गुटों के बीच मारपीट। एक आदमी ने भी महिला पर बरसाए डंडे। यूपी के रायबरेली में दबिश देने गई पुलिस टीम को गांव वालों ने घेर कर लाठी से पीटा। पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लोगों ने मिलकर एक कर्मचारी को पीटा। आरोप है कि उस कर्मचारी ने अवैध तरीके से उन लोगों से वसूली की थी। बिहार ने नगर निकाय चुनाव में लोगों को वोट के बदले शराब बांटे जाने का वीडियो बिहार में वायरल हो चुका है। कुछ लोगों ने शराब के साथ दो लोगों को पकड़ भी लिया है। बिहार के बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल टूटकर पानी में समा गया। पुल टूटने के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। टूटा हुआ पुल देखने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे छीनते नजर आए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलते स्कूटर में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। स्कूटर सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में कार ने कुत्ते को कुचला। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस और एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव को गिरफ्तार किया है। 2016 में औरंगाबाद लैंड माइंस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है अभिजीत यादव। राजस्थान के बारा में अस्पताल के बाहर मुआवजे की मांग पर परिवार वालों का प्रदर्शन। शव लेने से किया इनकार। अवैध खनन करने वालों पर हत्या का। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक आदमी अपनी कार को कूड़ा गाड़ी बनाकर सफाई अभियान जुटा। सफाई वॉलंटियर के समर्पण को देखकर हरिद्वार नगर निगम ने अपना स्वच्छता अभियान ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। करीब 38 हाथियों के झुंड ने खेत में फसल को रौंद डाला। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ और हाथियों के खौफ के बीच स्कूल जा रहे बच्चे। स्कूल प्रशासन ने कॉर्बेट के ढेला रेंजर से गुहार लगाई। स्कूली बच्चों के लिए की गई गाड़ी की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तेंदुआ रहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में घूमता हुआ तेंदुआ देख दहशत में डूब।